बिजली बचाओ नहीं तो बिजली का संकट। राजस्थान से लेकर लेबनान तक, भारत और चीन के बाद लेबनान में भी बिजली संकट। लेबनान में ईंधन की कमी के कारण ब्लैकआउट। लेबनान में दो सबसे बड़े बिजली स्टेशंस में काम बंद, जिसके कारण पूरा लेबनान अंधेरे में डूबा हुआ है। इधर अभूतपूर्व बिजली संकट के मुहाने पर भारत भी नजर आ रहा है। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा। राजस्थान में भी कोयले की कमी से बिजली संकट। लोगों से कम बिजली खर्च करने की हो रही अपील। देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में परेशानी। तो बड़ी समस्या इस वक्त पूरे देश पर आन पड़ी है, क्योंकि कई जो बिजली उत्पादन की जगह थी वहां पर कोयले की कमी की वजह से बड़ी परेशानी आमजन के सामने आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, देखिए जिस तरीके से बिजली संकट जो चीन से शुरू हुआ, अब लेबनान पर भी उसकी आंच है, तो अब ऐसे में भारत पर भी ये खतरे की घंटी मंडराती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश के अंदर और देश के साथ दूसरे देशों के अंदर भी बिजली संकट जो सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत ही चिंता की बात है। हम बात करें राजस्थान से लेकर लेबनान तक जो है बिजली संकट गहराया हुआ है। आज लेबनान की बात करें तो वहाँ पर बिजली स्टेशन जो है पूरी तरह से बंद हो गए थे, जिसके चलते लेबनान पूरा अंधेरे में टूट गया है। और अगर उसका साइड इफेक्ट अगर हम देखते हैं कि इसी तरह का साइड इफेक्ट कोयले की दिक्कत के चलते उत्तरी भारत के अंदर सर्वाधिक देखा जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोयले की संकट है, उसे चलते कई जो है वो बंद चल रही है और बिजली की डिमांड जो है उसकी पूर्ति नहीं होने के चलते राजस्थान में भीषण पूर्ति जो है वो राजस्थान में लोगों को झेलनी पड़ रही है। हम बात करें राजस्थान की, तो हालांकि राजसभा की एक सरकार जो है वो इस पूरे मामले में लगातार गंभीर है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसका सकारात्मक परिणाम भी आज देखने मिला है। खुद एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने केंद्रीय को सचिव अनिल जैन से बात की थी, उसके बाद में हम डेढ़ रहे कोयला जो है वो एक्स्ट्रा मिलने की बात सामने आ रही है, जो कि कल तक राजस्थान पहुंचने की बात है। इसके साथ ही 600 मेगावाट का तापीय बिजली घर है काली सिंध का, उससे भी आज उत्पादन जो है वो शुरू हो गया है, जो कि जनता के लिए कुछ राहत की बात कर सकती है, जो कि भीषण कटौती की मार झेल रहे हैं। आज प्रदेश की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जहां पर 5 से 7 घंटे की बिजली कटौती जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती की सामना किया जा रहा है। अगर हम बात करें डिमांड की, तो राजस्थान में शनिवार को औसतन 10,277 मेगावाट के आसपास की जो औसत मांग रही है, और अधिकतम मांग जो है 12,650 के आसपास दर्ज की गई, वहीं उपलब्धता जो है 8,657 के आसपास रही है। इसका जो मांग और आपूर्ति का गणित जो है उसको बैठाने के लिए प्रदेश भर में कटौती का दौर जारी है। हालांकि पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अत्यंत गंभीर है, उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है, जहाँ पर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो कोयले की आपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। साथ ही जनता से भी आपको अपील की है कि वो इस संकट के समय में सरकार का साथ दें, जो अपने घरों के अंदर बिजली का उपयोग जो है कम से कम करें, और साथ में जो अपने एसी और अन्य जो उपकरण है जिससे कि बिजली अधिक उपयोग में आती है उनका उपयोग कम से कम करें। जी बिल्कुल विकास, इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से बेपटरी हो चली थी, तो ऐसे में संकट की वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडस्ट्री इलाके हैं वहाँ पे भी बिजली कटौती जो है झेलनी पड़ती है, उसका सीधा फर्क जो है इंडस्ट्री में उत्पादन से भी पड़ रहा है। तो बाकी वो जो बात है वो जो उद्योग है उनके भी सीधा फर्क बिजली कटौती का देखने को मिल रहा है। ये भी वजह है कि प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि जो ग्रामीण इलाके यहाँ पर की इंडस्ट्रियाँ कम है उन इलाकों में कटौती की जाए, साथ में लोड मैनेजमेंट के लिहाज से शुरू कटौती जो है वही प्रदेश में काफी जमीन बांधे पहली बार कई जमीन मार्के छह से 7 साल के बाद ऐसा मौका है जब शुरू कटौती का चार्ज जो है। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद अहम ये पूरा मसला, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा संकट आन पड़ा है, और आपको बता दें कि बड़े बड़े देश इस खतरे से दूर नहीं है, तो ऐसे में जरूरी है कि भारत में इसके लिए समाधान के लिए सही निर्णय जो है वो लिया जा सके। इसी खबर पर हमारे साथ
डिस्कॉम के पूर्व एमडी अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, देखिए बेहद अहम ये पूरा मसला है, पर इसके पीछे के कारणों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि बरसात हुई है, पहली बार कोयले की खदानों में पानी भरा है। अर्जुन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बेहद अहम और बेहद गंभीर ये मसला है, क्योंकि बड़े बड़े देश इससे अछूते नहीं रहे हैं। बड़ा बिजली का संकट जो है उन पर आन पड़ा है। अब ऐसे में भारत, जो कोरोना की वजह से पहले ही बहुत बड़ी मार अपनी अर्थव्यवस्था पर झेल चुका है, अगर इस तरीके से बिजली संकट भारत पर आन पड़ता है, तो ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो वापस से पटरी पर लौटने लगी है, कई बत्ती गुल होने की वजह से वापस से अर्थव्यवस्था बेपटरी ना हो जाए, क्योंकि इस बार आपको बता दें कि जो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, तो वहीं अगर हम बात करें कि पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन किया जा सके, तो मौसम ने भी इस बार साथ थोड़ा कम ही दिया है। पर एक और ये भी आप अच्छी बात मान सकते हैं कि अब भारत के अंदर सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में बिजली की जो डिमांड होती है वो गर्मियों के बजाय थोड़ी कम होती है, तो ऐसे में राहत भरी खबर जरूर है। पर अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ी समस्या होगी। अब इसी खबर पर हमारे साथ अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अर्जुन जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से ये समस्या इस बार आन पड़ी है, तो ऐसे में बड़ी वजह क्या है, क्योंकि पहली बार बारिश नहीं हुई है, पहली बार कोयले की खदानों में पानी नहीं भरा है। समस्या वाला तो अलग बात है, इसमें क्या हुआ कि भाई कोरोना के साल डेढ़ साल के बाद में जो इंडस्ट्री और जो कंजन की एक्टिविटीज में बढ़ गई है, एक साथ जो नॉर्मली जो ग्रोथ होती है, डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, वो करीब 8% के आसपास होती है। अभी इस बार 18-20% का चलेगी, तो एक तो इसका डिमांड जो है ना कोल का बढ़ गया पहले जी। जी अर्जुन जी, एक और अहम सवाल कि अब इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी? नहीं, इसके लिए तो माइनिंग बढ़ाएंगे, जैसे जो मतलब कोल की जो रिजर्व है उसकी तो कमी है ही नहीं, माइनिंग की दिक्कत है जी। मतलब अपने इंडिया के कोल रिजर्व तो है, कोई इश्यू है नहीं। दूसरा क्या कि हम जो इंपोर्ट करते थे ना कोल, वो बाहर सब जगह कोल महंगा हो गया, तो इंपोर्ट की प्राइस भी काफी बढ़ गई जी। अर्जुन जी, एक और अहम सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कोयले की समस्या है वो सबके सामने है, पर ऐसे में कुछ नई तकनीकों पर काम किया जा सकता है, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, जो लगातार काम हो भी रहा है, पर ऐसे में क्या उनको थोड़ा बूस्ट देकर इस तरीके की समस्याओं से बचा जा सकता है? हाँ, ऐसे हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीजों में थोड़ा टाइम लगता है ना। ये तो ऑल ओवर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई सारी, कि डिमांड बढ़ गया ऐसे समय के अंदर, कोयले की शॉर्टेज बढ़ गई, बाहर भी वर्ल्ड और डिमांड बढ़ने के कारण से जो बाहर इंपोर्ट कर रहे थे वो भी कॉस्टली हो गया, तो कॉस्टली कोल को इंपोर्ट करके फिर चलाना वैसे इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है ना। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से कोस्ट जाहिर तौर पर बढ़ी है, पर जिस तरीके से समस्या सामने आई, पर इससे निजात दिलाना भी तो बेहद जरूरी है। नहीं, निजात दिलाने की कोशिश हो रही है, माइनिंग बढ़ी रही है शायद, जैसे पहले एवरेज जैसे बताया, आज कल अखबार में पढ़ा था मैंने, उसमें था कि एवरेज जैसे 250 के रेक निकलती थी कोल इंडिया से, तो कल परसों शायद 268 निकली है, तो बढ़ा रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से, थोड़े दिन में क्राइसिस खत्म होने चाहिए। अर्जुन जी, एक और बात सामने आई है कि अब इस समस्या को देखते हुए कटौती की जाएगी, शेड्यूल उसके लिए बना दिया गया है, तो अब ऐसे में क्या एक्शन ये होगा, ये भी देखना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। इसी खबर पर अब हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद जी, देखिए बड़ी समस्या यहाँ पर आन पड़ी है, राजस्थान के समक्ष भी ये बड़ी समस्या है, अब ऐसे में कैसे इससे निजात मिलेगी? देखो, क्या है कि सरकार को ये सब चीजों की पहले से जानकारी थी, हमने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया था कि आप समय पर कोयला सप्लाई नहीं कर गए, कारण से बिजली की जो जितनी भी यूनिट है वो बंद हो रही है, और इस समय किसान को बिजली चाहिए भी ज्यादा, क्योंकि नई फसल की बुआई भी हो रही है। ऐसे समय में जो बिजली की अव्यवस्था हुई, इतना घाटा हुआ है, उसके बाद भी ये व्यवस्था सुधार नहीं सके, और ये कहते हैं कि नहीं ये तकलीफ है, तो मैं सोचता हूँ सरकार का फेल्योर है, और कोयला की व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उसका समय पे पेमेंट करोगे तभी तो कोयला देगा, फोकट में कब तक देता रहेगा आपको? इसका मतलब आपकी सरकार असफल है व्यवस्थाओं को संभालने में, तो लोगों को जो है ना जो तकलीफ हो रही है वो आपकी अव्यवस्था के कारण से हो रही है, और ये बात मैंने विधानसभा में भी पहले ही दिन, विधानसभा जिस दिन चली थी तो स्थगन के माध्यम से ला करके सरकार को सचेत किया था, उसके बाद भी सरकार सोई हुई है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब चंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।